सीक्वेंस सीरीज के टॉपिक में हम लोग आगे इसको बढ़ा रहे हैं। एपी जीपी और एचपी एएमजीएम एचएम इनके कॉन्सेप्ट बारी बारी से हम लोग देख चुके हैं। आज मिसलिनियस सीरीज देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रोग्रेशन का, क्योंकि रियल मामले में कॉन्सेप्ट और सारी चीज़ों का यूटिलाइजेशन आप यहीं पे कर पाते हैं। क्वेश्चंस भी यहीं सेक्शन से पूछे जाते हैं, क्योंकि 12th लेवल को कॉम्पिटेटिव लेवल जब बनाया गया तो मिसलिनियस सीरीज एक एप्टीट्यूड और प्रोग्रेशन को मिला के एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। तो मिसलिनियस सीरीज पे आपको बहुत फोकस करना है। चलिए आज उसी क्रम में एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। 3, 15, 35, 63 हमने बोला जब भी बीच में प्लस जुड़ा है इसका मतलब एक सीरीज दी गई है। अब इस सीरीज को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग डिफरेंस आपको बताते चले, ये डिफरेंस निकाल रहे हैं। 15 से 3 का डिफरेंस करेंगे 12 आएगा, 35 से 15 का डिफरेंस करेंगे 20 आएगा, और 63 से करेंगे तो 28 आएगा। आगे वाले टर्म में भी हम लोग डिफरेंस अगर करें तो इसमें 8 और जोड़ दें 36। अगर इस सीरीज में डिफरेंस देखें 3 और 15 में तो कितने का डिफरेंस है, 12 का जो निकाला है, इसमें 20 का, तो डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है। रेशियो भी कांस्टेंट नहीं है, बट डिफरेंस ऑफ कॉन्सेक्यूटिव टर्म, डिफरेंस ऑफ कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स जो लिया गया फॉर्म अ सीक्वेंस फॉर्म अ एपी, जब ऐसा हो कि आप कोई सीरीज लें, उन सीरीज़ को इस तरीके से आप डिफरेंस करते जाएं और उसका एक और प्रोग्रेशन बनाएं, वो डिफरेंस किस में बने, एपी में, वो डिफरेंस किस में बने, एपी में। तो इस टाइप की सीरीज़ का एन मापद और एन पदों का हाँ योग, हाँ अनुसीमा, हाँ एन मापद और एन पदों के योग को आज हम लोग जानेंगे कैसे निकालते हैं। ठीक, अभी हम लोग ट्रिक बोल सकते हैं इसको, उस पर पहले चर्चा करेंगे, उसको पहले आपको सिखाएंगे, उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि ट्रिक कैसे वर्क कर रही है, उससे होता क्या है कि शॉर्टकट पर आप हमेशा हमारे ऊपर इस कॉन्सेप्ट पर आधारित ही क्वेश्चन कर पाएंगे, यानी डिपेंडेंट्स हो गए। और जब आप इसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे तो अगर क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन हुआ तो आप वहाँ पर उस कॉन्सेप्ट से मॉडिफिकेशन कर पाएंगे। बेशक हमने बोला है मारुला क्लासेस का हमेशा कोई अपोजिशन नहीं है ट्रिक्स के लिए, पर बच्चे से हमेशा बोलते हैं कि ट्रिक्स जब भी सीखें तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी आपको हमेशा सीखना है, आदत डाल लीजिए। ट्रिक्स सीखना है बहुत अच्छी बात है, बट कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए जिससे कि मॉडिफिकेशन कभी भी हो तो आप उसको कर पाएँ। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाकर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सीक्वेंस का डिफरेंस है वो एपी में एक बार और ही, मतलब ये जो सिंबल हम लोग ले रहे हैं वो डिफरेंस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, डिफरेंस। तो यहाँ पे हमने डिफरेंस लिया तो अभी तो एपी में है तो कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे डिफरेंस 8 का है, यहाँ पर भी डिफरेंस किसका है, 8 का है, और यहाँ पर भी डिफरेंस किसका है, 8 का है। अभी कांस्टेंट हो गया, हमने बोला कि ये जो सिंबल हम लोग ले रहे हैं वो इंट दूसरे टर्म का पहले से डिफरेंस, तीसरे का दूसरे से डिफरेंस, अब यहाँ पे फिर डिफरेंस ले रहे हैं, 8 का 8 से डिफरेंस 0 और 8 का 8 से डिफरेंस 0। अगर आपका पहले वाला जो आपने ये डिफरेंस लिया था ये एपी में है तो आगे जब आप बढ़ाएंगे तो 0 हॉनेस्ट आपको मिलेगा ही, जब ये 0 मिल जाए, लास्ट में 0 मिल जाए तब आप यहाँ पर ट्रिक्स की शुरुआत करेंगे। देखिए हमने इसको तीन फेज में डिवाइड किया है, सीक्वेंस तीन सीक्वेंस लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर मिसलेनियस ही नहीं, जब आप इंटीग्रेशन कर रहे होंगे, लिमिट कर रहे होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो हम बार बार आपसे बोलेंगे इस क्वेश्चन को समझिए जरूर। अब जब भी कोई
इस टाइप की सीरीज हो, उसके अंतर की सीरीज एपी बनाती है, तो ये प्रोसेस तो हमने डिफरेंस का बता ही दिया। आपको जो टर्म एनमा पद जो होगा उसका कंसीडरेशन जब करेंगे आप, एनमे पद का कंसीडरेशन जो करेंगे, तो आपको ये कंसीडर करना होगा ए एन स्क्वायर और प्लस बी एन और प्लस सी, ये मतलब आपको कंसीडर करना है। ओके, ये टी एन इस टाइप का होगा ऑफ द फॉर्म, ये कैसे आए बाद में बताएंगे आपको। ठीक, तो आपको देखिए कि टी एन मतलब ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, टी टू मतलब यहाँ पे एन की वैल्यू टू रखेंगे, टी वन तो यहाँ पर कांस्टेंट कौन है, अननोन कौन है, एक आपका ए है, एक आपका क्या है बी है और एक सी है। जैसे ही आप ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे आपका काम हो जाएगा। तो हमें यहाँ से अब ए बी और सी निकालना है, उस ए बी सी को यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, ओके, वो निकालेंगे कैसे थोड़ा सा बस ध्यान देना, क्योंकि अगर आपने ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं, एक ही क्वेश्चन में सिखाएंगे, तो आप उसको बहुत ध्यान देना कि ए कैसे निकल रहा, बी कैसे निकल रहा और सी। पहले आपको हमने उद्देश्य बता दिया कि हम करने क्या जा रहे हैं, यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देंगे, वो एनवा पद आ जाएगा, ये ऑलरेडी फॉर्म है, ये कैसे आएगा कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये वाली जो सीरीज है वो उससे हम लोग क्या पाएंगे, वैल्यू ऑफ ए वो इस सारी सीरीज से पाएंगे, कैसे पाएंगे वो देखेंगे, और बी की वैल्यू इस वाले से और सी की वैल्यू इस वाले से, बात समझे कि नहीं। ठीक, पहला टर्म थर्ड सीरीज का पहला टर्म जो भी हो, अगर एट की जगह सिक्स भी हो, सेवन हो, ठीक जो भी हो, उसको हम इस एट को जो भी यहाँ पे आया उस एट को टू ए के बराबर रख देंगे। किसके बराबर साइन करेंगे, सपोज यहाँ पर अगर बोला इस एंट्री को खाली कर दिया, अगर यहाँ पे सिक्स होता तो उस समय टू ए बराबर क्या करते, सिक्स। ठीक, मगर आपको पता ही है कि ये तब होता जब ये होता, तो ये ऐसा है नहीं, यहाँ पे क्या है एट है, बात समझे कि नहीं। रिपीट इसलिए किया कि आप एक बार में समझ पाएँ। ठीक, अब इससे आप सॉल्व तो कर ही लेंगे ना, ए बराबर क्या आ गया फोर, ए की वैल्यू आपकी फोर तैयार हो गई इसकी हेल्प से। अगर ये होता तो ए बराबर कितना था, थ्री, तो आप यहाँ पर फिल कर दीजिए कि ए की वैल्यू हमारी फोर आ चुकी है, वो वहाँ रखने वाले हैं। ए की वैल्यू जब आ गई तो अब यहाँ पे जाएंगे, सीरीज का पहला टर्म ऑब्जर्व करेंगे, अगर 12 है तो 12 से ऑब्जर्व करेंगे, अगर कोई और 10 है 20 है तो सीरीज का जो भी यह टर्म होगा उस पर फोकस करेंगे। अब वो देखो कैसे निकलने वाला है, यहाँ पे ध्यान दें इस स्टेप पे, बी की वैल्यू जो भी यहाँ पर है, अगर मान लो आपको दिक्कत है तो बिल्कुल यहीं पे लिखते हैं। ठीक ठीक, जिससे कि आप समझ में आ जाए, यहाँ से हम बी की वैल्यू निकालने वाले थे तो कैसे निकालेंगे, बी बराबर असाइन कर देंगे जो भी ये है, जो भी है, अगर अभी 12 है तो 12 माइनस 3 टाइम्स ए, मतलब ये आप बना लीजिए, दिमाग रखिए कि जो भी वैल्यू होगी वो उसको 3a से कटा देंगे। ठीक, तो जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे b की वैल्यू, तो b बराबर 12 माइनस 3a करेंगे, 12 भी हो जाएगा, कितना आ गया 0, तो वैल्यू आप b कितना आ गया, इधर ध्यान दें कितना आ गया 0 भी मिल गई। अब हमें c की वैल्यू निकाल लें, तो हमने बताया c की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, तो c बराबर जो भी वैल्यू ये है 3 है, सपोज 5 होती तो 5 लेते, 7 होती जो भी होती वो ये लेते, माइनस ए प्लस बी कर देना। ओके, तो ए की वैल्यू तो 4 है और बी की वैल्यू 0 है, तो 3 से 4 घटा माइनस 1, तो देखिए यहाँ पे क्या आया माइनस 1। अब हम इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दें, तो टी एन बराबर आ गया 4n स्क्वायर प्लस 0n माइनस 1, तो 4n स्क्वायर माइनस 1। अब लगता है आपको कोई डाउट भी है तो आप चेक कर सकते हैं, टी वन जब हम टी वन रखेंगे तो 4 माइनस 1 दैट इज 3, क्या पहला पद 3 है, यस सीरीज का पहला पद 3 है। टी की वैल्यू 2 रखिए, क्या रखिए
हाँ तो 4 × 4 − 1 क्या आया? क्या 15 है? यस। तो ऐसे ही अगर 3 रखेंगे तो 35 हो जाएगा ये आगे। तो आपका एनमा पद आ गया कि नहीं? ठीक। इस सीरीज का अभी हम लोगों ने एनमा पद फाइंड किया। क्या किया? एनमा पद। तो एनमा पद क्या आया? 4n² − 1। मतलब इसका जो लास्ट टर्म है। सीरीज को किस तरीके से यूज करेंगे? हो सकता है सम पूछें, हो सकता है एनमा पद पूछें, दसवां पद पूछें, सौवां पद पूछें। तो अगर एनमा पद निकल गया तो दसवां सौवां निकल सकता है। सम की चर्चा आगे करते हैं। ठीक। तो पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर हमने बना के तैयार है हमारा। पीछे डिस्कस किया था कि है क्या, तो अब उस वाले क्वेश्चन में सारी चीज़ों को डिस्कस कर ले सकते हैं। बस प्रैक्टिस के लिए, जस्ट कन्फर्मेशन के लिए ये दोबारा कर रहे हैं। an² + bn + c। तो हमें फटाफट ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। देखिए तो 2a बराबर 3 को असाइन करेंगे तो a = 3/2 हो जाएगा। जब b की वैल्यू निकालने वाले हैं यहाँ से निकालेंगे, b = 4 − 3a करेंगे। तो 4 − 3a का मतलब है 9/2। तो 8 माइनस, तो -1/2। अब c की वैल्यू निकालेंगे तो 1 − a + b कर देंगे। तो 1 − a की वैल्यू क्या है? 3/2 और -1/2। तो आ जाएगा 1, यहाँ पर 2 − 2 1, तो -1 0 हो गए ना। हाँ, तो ए बी सी की वैल्यू tn में रख दें तो an²(3/2n²−1/2n) और +0, तो आ गया 3n²−n/2। ये हमारा एनमा पद आ गया। ठीक है। तो एनमा पद बहुत ही ईजिली निकाल लिया। बस आपके कन्फर्मेशन के लिए हमने दोबारा बताया है और इसमें है कुछ नहीं। ठीक। आगे अब चर्चा करते हैं कि इसका सम कैसे निकालेंगे। ठीक। और अगर आप चाहें तो, अगर आपको लगता है कि ये कैसे आया, ये ट्रिक कैसे काम कर रही है, तो अगर आप रिकमेंडेशन में आप लिखेंगे कि कैसे कर रही है, आपको इंटरेस्टेड है, तो मैं प्रूफ भी करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। तो सम ऑफ द सीरीज निकालना 1, 5, 12, 22, 35 और लास्ट टर्म जो है 1/2 3n²−n। ठीक। तो यहाँ पर n पद दिए गए हैं और पीछे वाले क्वेश्चंस को अगर देखें तो वही सारे उसी क्वेश्चन को हमने लिया है। बस एनमा पद उसमें कैलकुलेट किया था, यहाँ ले लिया, तो यानी उसी पार्ट को, उसी क्वेश्चन को हमने आगे बढ़ाया। तो Sn का मतलब होता है T1 + T2 + T3 और Tn। कहने का मतलब समेशन ऑफ Ti। ठीक। यानी सारे पदों को आप जोड़ दीजिए, तो या समेशन ऑफ Tn। तो समेशन Tn nवा पद क्या है? 1/2 3n²−n। ठीक। या तो आप सारे पदों को जोड़िए अलग अलग, या nवा पद जो है उसको समेशन कर दीजिए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 1/2 को बाहर करेंगे, यहाँ पर अंदर समेशन को भेजें, 3 summation of n² − summation of n। तो अब समेशन ऑफ एन स्क्वायर, समेशन ऑफ एन का मतलब है nn+1/2। समेशन ऑफ एन स्क्वायर का मतलब है n n+1, 2n+1/6। समेशन ऑफ एन क्यूब का मतलब क्या है? nn+1/2² समेशन ऑफ एन का पावर 4 का मतलब क्या है? nn+1, 2n+1, 3n²−1 30। समेशन ऑफ 1 का मतलब क्या है? n। तो ऐसे ये सारे समेशन आपको याद होने चाहिए। ठीक। अब हम लोग यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे देख लें तो 1/2, मतलब ये स्टेप देख लें जैसे कि अभी सॉल्व कर रहे हो तो आपको ये दिखता रहे। ठीक। तो 1/2 3, अब समेशन ऑफ एन स्क्वायर रखने वाले हैं तो n n+1 2n+1/6 माइनस समेशन ऑफ n n+1/2। ठीक। तो ये n n+1/2 कॉमन ले लें, n n+1/2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आ गया 3 2n+1/3, 3 आया ना, -1, इस ये से कैंसिल हो गया। ठीक है। तो n n+1/4 और 2n+1 − 1, ये कैंसिल हो गया ना। हाँ, तो ये आ गया, तो n² n+1 ये कैंसिल होगा ना, 2।
ये हमारा क्या आ गया, एसेट। आंसर आइए क्या है आंसर। हाँ हाँ मतलब ये समझ गए ना, लिखें क्या यार, ये एन पदों का योग आ गया। ठीक, आज के लेक्चर में इतना ही इनफ। आप बहुत सारे क्वेश्चन और भी कराए जा सकते हैं, बट वीडियो फिर या लेक्चर बहुत ज़्यादा बोरिंग होने का लगेगा तो फिर आप भी मन नहीं लगाएंगे। ठीक है, एक एक अच्छा कॉन्सेप्ट हमने दिया, ये कैसे आया, अगर आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होगी, अगर आप सीखना चाहेंगे तो हम जरूर डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक और बात हम पूछना चाहते हैं, जो लास्ट तक अभी जा रहे हैं, जो लास्ट तक अभी तक बने हुए हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं कि शुरुआत में लास्ट में क्वेश्चंस कुछ दे देते थे, 5 या 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो वहाँ पे आंसर्स बहुत कम लोगों ने क्यूरियोसिटी दिखाई। तो अगर कोई उसमें कुछ ऐसा ऑप्शंस नहीं दिए गया, जो भी है आंसर्स आप क्यों नहीं दे पाते थे, अगर आपको लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, आपके लिए हेल्पफुल थे, अगर किसी एक को भी लगता है, अगर वो वहाँ पर लिखेगा और वो कमेंट के थ्रू हमें बताता है, तो हम उसको कंसीडर फिर से करेंगे और उससे फिर से प्रयास करेंगे, मगर उसके लिए आपको फीडबैक देना होगा। तो जो लास्ट में सुन रहे हैं, तो ये नहीं कि मतलब कोई और दे देगा, अगर आपको लगता है कि वो सही था, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि टॉपिक के एंड में उस टॉपिक से रिलेटेड अच्छे या टफ या ये लगता था कि ये क्वेश्चंस आपको करने चाहिए, तो 5 या 7 क्वेश्चंस वहाँ पे उस टॉपिक रिलेटेड मैं एज ए होमवर्क बोल सकते हैं आपको देते थे। बट वो हमने रोक इसलिए दिए कि प्रॉपर रिस्पांस मुझे लगा नहीं मिल रहा है। अब आप सॉल्व कर रहे हैं बट आप वहाँ पर कुछ ऐसा रिस्पांस नहीं कर रहे थे, तो अगर लगता है कि वो सही था जो उस समय देखे हुए हैं, ठीक है, या ऐसा करना सही है जो आप अभी देख रहे हैं, तो उस पर वहाँ पर कमेंट के थ्रू जब हम बताएंगे प्रॉपर रिस्पांस करेंगे तभी देंगे। और एक और बात कि बहुत सारे लोगों ने टेस्ट सीरीज़ के लिए बोला हुआ है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रॉपर पढ़ाई हो रही है, लेक्चर्स का लेवल और सब कुछ सही लग रहा है, टेस्ट या असाइनमेंट नहीं मिल पा रहे हैं। देखिए ऐसा है ना कि टेस्ट सीरीज़ हम लोग शुरू करते हैं, मावला क्लासेस ने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ शुरू भी की, बट आप मावला क्लासेस कभी नहीं चाहते कि आप रजिस्ट्रेशन करें, पैसे से रजिस्ट्रेशन करें। जब भी आप अगर फ़ी पे करेंगे तो हमारा इंटरेक्शन आपका 1-to-1 होगा, जब तक आप मेरे टेस्ट में आएंगे नहीं। वर्चुअली इस टाइप का कोई भी अभी रिलेशन ना क्रिएट किया गया और आगे भी हम ऐसे फर्दर नहीं करना चाहते हैं। ठीक, क्योंकि आप अगर एज ए मैंने बोला कि हम कमा रहे हैं और कुछ ले रहे हैं, अगर इस तरीके से, तभी आप इसको नहीं समझ पाएंगे जब तक आप मेरे टच में नहीं आएंगे। ठीक, तो टेस्ट सीरीज़ तब तक नहीं शुरू करेंगे जब तक हमारा कोई अटैचमेंट नहीं होगा। ठीक है, होगी फ्री ही, वो कोई पैसे या चार्ज नहीं लेंगे, बट हमें पता कि आप 10-5 दिन दोगे जो उसमें, उसके बाद आपको अता पता नहीं है। तो फाउंडेशन जब तक नहीं होगी, जब तक ये हमारा एक टेस्ट नहीं होगा, तब तक हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाले हैं। इसके लिए आपको बुरा लगे, बिल्कुल अच्छा ना लगे, ठीक, मैं इस टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं लेता हूँ कि टेम्परेरी वो रिलेशन हो, बाद में वो ना चले, आपको मेरी बात ख़राब लग रही है तो लगती रहे बेशक। अगर आप इस टाइप का कोई कमिटमेंट दिखाएगा तो हम जरूर उसको शुरू करें, इसीलिए रोक दी थी। ठीक है, थैंक यू, लास्ट में आपको मोटिवेट करें, आगे हम लोग फिर से आएंगे और कुछ अच्छा नया करेंगे। ठीक है।